नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। खबर समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर थाना क्षेत्र से है, जहां विभूतिपुर थाना अंतर्गत मिर्जापुर गांव के समीप अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने गिट्टी बालू व्यवसायी से 10 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित व्यवसायी शिव ट्रेडर्स के मालिक विनोद कुमार सिंह का कहना है कि शुक्रवार की रात करीब 10 बजे वे अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे कि अचानक दल सिंहसराय विद्याप्त नगर मुख्य पथ पर संत प्रशांतानंद के आश्रम के समीप दो बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने गाड़ी को ओवरटेक करके रोका तथा जब तक वह कुछ समझ पाते गाड़ी की चाबी छीनकर डिक्की में रखा पैसा लेकर हथियार लहराते हुए सभी अपराधी फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग उस दिशा में गए भी, लेकिन अपराधी तब तक निकल चुका था। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ दल सिंहसराय देर रात घटना स्थल पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिए तथा थानाध्यक्ष को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस लूट मामले में निकटवर्ती गांव से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। एसडीपीओ कुंदन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि शीघ्र ही मामले का उद्भेदन कर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 10 दिनों के अंदर इसी पथ पर लूट की इस दूसरी वारदात से लोगों में भय व्याप्त है। दूसरी तरफ एसपी समस्तीपुर ने कहा कि यथाशीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार की आवाज के लिए समस्तीपुर से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। अभी तक के लिए बस इतना ही। हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी चैनल पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। लोग सड़क जाम किए हुए हैं। हम व्यवसायिक संघों को दिन रात लूट हो रहा है। कल हमारे व्यापारी को 10 लाख रुपया लूट लिया गया। प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है, इस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया जा रहा है। अपराधी खुलेआम घूम रहा है। क्या डिमांड है? डिमांड है कि अपराधी को पकड़ा जाए, अपराध मुक्त हमारा यहाँ क्षेत्र बनाया जाए। हमारे थाना अध्यक्ष महोदय अपराध के पोषक हैं, ये तमाम अपराधियों का पोषक है और सबको जुटाते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं। खुलेआम थाना से दारू बिकती है और ट्रक का ट्रक दारू शेरपुर से लेके बरौना तक में उतरता है और ये सबको बेचवाते हैं और उसका कमीशन लेते हैं। क्या डिमांड है पुलिस अधीक्षक से? पुलिस अधीक्षक से डिमांड है कि इसी भ्रष्ट पदाधिकारी को काला पानी का सजा दिया जाए और यहाँ अपराध मुक्त विद्यापति बनाया जाए। क्या हुआ सर? 9:30 बजे रात क्या घटना हुई है? पूरी घटना को बताइए तो। अपने घर के लिए दुकान बंद करके हम जा रहे थे, अपने गांव मिर्जापुर पहुँचने से पहले लीची घाट से, लीची घाट से पास पहुँचने पर पीछे से 2 मोटरसाइकिल पर 6 लड़का सवार आगे हमारे गाड़ी के आगे ओवरटेक करके हमको रोक बिना इनसे पूछताछ की और पिस्तौल दिखा कर मेरे गाड़ी का चाबी ले लिया और चाबी से टिक्की खोल के पैसे का बैग था जिसमें करीब 10 लाख रुपया था, कुछ कागजात थे दुकान का, ड्राइविंग लाइसेंस था, वो ले करके सब फिर विद्यापति की ओर भाग गए। जब वो भाग गए तो हम हल्ला किए तो ग्रामीण लोग पहुँचे। ग्रामीण जब पहुँचे तो हम सब मिल करके थाना पे आकर के थाना अध्यक्ष महोदय से इसकी शिकायत की, घटना की जानकारी दी। एक संदिग्ध की को हिरासत में भी लिया गया था। हाँ, एक संदिग्ध का बताया जिसका नाम बोलू है। आपके निशानदेही पर हुआ था, उस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था जी। अभी पुलिस उसको हिरासत में रखे हुए है? अभी ये तो हम नहीं बता पाएंगे जब हिरासत में है या नहीं। गोलू कहाँ का निवासी है? मलकालीपुर का। उन्होंने लगाया है कि जब वो दुकान बंद करके वापस जा रहे थे तो उनके पास छर और सीमेंट का जो बिक्री का पैसा था 2 दिनों का, क्योंकि कल बैंक बंद था
वापस जब अपना पैसा लेके वापस घर जा रहे थे तो रास्ते में उनके साथ छेक कर महावीर चौक के आसपास में घटना घटी है। इस संबंध में उन्होंने आवेदन दिया है और कुछ व्यक्तियों पर शंका जाहिर कर रहे हैं। एफ आई आर दर्ज करके हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे।